वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटेंस विद डाईलैक्ट्रिक्स कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विच इज़ कनेक्टेड विद अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है जिसे वी ईएमएफ की बैटरी के साथ जोड़ा गया है और कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनका एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के दरमियान की जो सेपरेशन है वो स्मॉल डी है अब अगर क्यू चार्ज जो है वो स्टोर हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स में जब मीडियम जो है वो या तो वैक्यूम है या एयर है तो उस केस में हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि क्यू जो है वो सी के बराबर होता है और कपैसिटन्स फार दैरल प्लेट कैपेसिटर जो है उसके लिए रिलेशन आपने पढ़ा है सी जो है वो एक्सला नॉट ओवर डी के बराबर होता है इन 1937 माइकल फैरडे ने जो है इन्वेस्टिगेट किया कि अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरम्यान हम को इंसुलेटर जिसको हम एज आ डाइलैक्ट्रिक मीडियम जो है वो पैरल प्ले, प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उससे जो है प्लेट्स के ऊपर जो चार्जेस स्टोर हो रहे हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं अगर चार्ज इंक्रीज़ हो गया तो मीन्स के कैपेसिटेंस जो है वो भी इंक्रीज़ हो रही है तो अगर चार्ज इंक्रीज हो गया इस जो इंक्रीज चार्ज है उसको हम क्यू प्राइम के साथ लिख रहे हैं तो कैपेसिटेंस जो है उसको सी प्राइम के साथ लिखेंगे अब अगर हमने डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट यानी जो हमने मीडियम इंट्रोड्यूस करवाया है उसका डायलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट के ही अगर हमने फाइंड आउट करना है तो वो रेशो होगा दोनों कैपेसिटेंस की यानी कैपेसिटेंस विद मीडियम टू द कैपेसिटेंस विद वैक्यूम तो अब यहाँ से सी प्राइम अगर हम लें तो के ई e, सी के बराबर आ जाता है सी की जगह हमने वही कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का रिलेशन है फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वो पुट किया है अब यहाँ से देखें कि डायलैक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कराने से कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है फैक्टर के ई और के ई के जो है वो डायमेंशन लेस है बिकॉज के ये दोनों कपेसिटेंसीज की रेशो है नेक्स्ट अगला टॉपिक देखें इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम यानी अगर हम डाईलैक्ट्रिक मीडियम जो है वो रखते हैं तो इससे फोर्स पे या इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसका क्या इफेक्ट होता है वो हम देखेंगे आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी है बाय बायकुलम्स ला कि किसके बराबर होती है वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू ओवर आर्ट स्क्वायर अब अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई इंसुलेटर रख देते हैं तो उससे फिर क्या होगा कि उनकी अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो कम हो जाती है तो इस वजह से के ई का फैक्टर जो है वो इनवर्स में आएगा इसी तरह से अब अगर इस चार्ज का अगर फील्ड है ठीक है तो दूसरे चार्ज टेस्ट पॉजिटिव चार्ज और इस चार्ज के दरमियान अगर हम कोई इंसुलेटर रख देंगे तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी ठीक है ई कम हो रहा है तो के ई का फैक्टर जो है वो इसके इन्वर्स में आएगा मीन्स के डायलैक्ट्रिक डालने से इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो रही हैं इसी तरह से अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नियर द सरफेस ऑफ कंडक्ट चार्ज कंडक्टर अगर फाइंड आउट किया है इसका रिलेशन भी आप पीछे पड़ा हुआ है अब अगर इस केस में भी हम लोग पॉइंट के दरमियान और चार्ज शीट के दरम्यान कोई इंसुलेटर रख देते हैं तो -E के ई के फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है यानी के ई -E यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्वर्स में आएगा नेक्स्ट आगे देखें डाइलैक्ट्रिक एंड अटोमिक व्यू डाइलैक्ट्रिक अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंसुलेटर मटेरियल्स होते हैं जिनको रखा जाता है कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं कर सकता बिकॉज कि उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो बहुत हाई होती है फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर है पैरिक्स है पोलिस्ट्रीन है ट्रांसफार्मर ऑयल है प्योर वाटर है और सिलिकॉन है यानी इनमें से आप कोई भी चीज़ अगर कपैसिटर की प्लेट्स के दरमियान रखते हो तो उसको हम डाई का नाम देंगे ठीक है डायलेक्ट्रिक्स जो है बेसिकली इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है पोलर डायलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स पोलर डायलेक्ट्रिक्स ऐसे डायलेक्ट्रिक मटीरियल होते हैं जिसमें परमानेंट डाईपोल मोमेंट होता है मीन्स कि इसमें जो है इसके एटम्स डायपोल्स बने हुए होते हैं ठीक है जैसे डाईपोल आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है कि टू इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस तो यहाँ पर ये यह देखें कि ऑलरेडी ये डाईपोल्स बने हुए हैं लेकिन इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल्स जो हैं वो रैंडमली ऑरिएंटेड होते हैं ठीक है रैंडम ऑरिएटेशन की वजह से मटेरियल जो है उसको हम ऑन दी होल कहते हैं कि उसका कोई नेट डायपोल मोमेंट नहीं है लेकिन जैसे ही इन जो है पोलराइज मटेरियल्स को रखा जाता है एज अ डाइलेक्ट्रिक इन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई डेवलप हो जाता है जब हम प्लेट्स को बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो फिर ये डायपोल्स जो हैं वो खुद को अलाइन कर लेते हैं विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है खुद को अलाइन कर लेते हैं अब अगर इनकी अलाइमेंट जो है वो डी अलाइमेंट में कैसे चेंज होगी अगर यहाँ पर जो है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करवा देंगे तो थर्मल एजिटेशन की वजह से ये डायपोल्स दोबारा से जो है वो रेंडमली ऑरियट हो सकते हैं सो so, अगर हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसको भी इंक्रीज़ करें और टम्परेचर को कम करें तो इस केस में जो है डाइपोल्स की अलाइनमेंट जो है वो इसको इनक्रीज़ करवाया जा सकता है